जो बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनकी जो सैलरी है वो 3 लाख रुपए है। रूटीन का उनका काम होता है, स्ट्रेसफुल वर्क होता है बॉस के साथ, रैंडम क्लाइंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स होते हैं, क्योंकि जॉब में तो आने का टाइम होता है जाने का टाइम नहीं होता। मेरे साथ तो यही होता था, मुझे आपके साथ भी हो सकता है यही होगा। फिर उसके बाद स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सीबिलिटी नहीं होती, अगर 9 से 5 है तो 9 से 5 ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8 बजे आ जाए और शाम को जल्दी चले, फिक्स होती है। फिर उसके बाद स्टेबल और फिक्स सैलरी होती है और बोनसेस भी लिमिटेड होते हैं। कितने बोनसेस मिल रहे हैं आजकल? मुझे जॉब छोड़ने का भी अच्छा हो गया, इसलिए पूछा। साल में 1 करोड़ उसके लिए नहीं मिल जाता। मेरे बहुत सारे दोस्तों के बोनसेस बंद हो और अगर सैलरी में आपके 5,000 बढ़ा दिए हो पॉलिसी में, इस तरह की चीज़ें होगी। खैर, फिर उसके बाद वर्क डोमिनेट होता है, क्योंकि आपका काम आपके टास्क इतने सारे होते हैं। क्या आजकल जो लैपटॉप और एंड्रॉइड आ गए हैं ना, ये आप अपने काम अपने घर तक लेकर आते हैं। जो लोग अगर रिपोर्टिंग करते होंगे अपने जो मैसेजी लेवल पे होंगे, उनको पता होगा घर पे भी आते हैं, उनको ईमेल्स करनी पड़ती है रात को 2 बजे 1 बजे, जब फोन आ जाए जब ईमेल आ जाए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि हमारे ऊपर काम जो है वो बर्डन बढ़ता चला जा रहा है और हमारी वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं है। ज़्यादा बड़ा भारी हुआ हमारा वर्क लोड था। बट अब अगर हम बात करें हॉलीडे की, तो साल में 30 दिन की छुट्टियां मिलती हैं इनको, पेड पे मिलती हैं। बट साथ में अगर आपको ट्रैवल करना है तो वो ट्रैवल आपकी कंपनी देगी। जब वो कह रही है छुट्टी के पैसे दे रहे हैं तो कम हम आपको घूमने फिरने के पैसे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर इनको घूमने जाना है, दो लोगों ने भी जाना है पाकिस्तान में, या पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 1.5-2 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे, बाहर जाएंगे तो 4-6 लाख रुपये उनके अपने खर्च होंगे। अब हम बात करते हैं ऑयल फ्लेम के लाइफ स्टाइल। ऑयल फ्लेम में नवी साहब, नवी साहब 50,000 रुपये कम लिख दिए, पुरानी स्लाइड है, बोला तो नहीं मानेंगे। तो 3 लाख रुपए जो है वो कमा रहे हैं ऑयल फ्लेम से। अपने बॉस खुद हैं, अपना शेड्यूल है उनका, अपना टारगेट है, अपनी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल है। कितना टाइम फैमिली को देना है, कितना टाइम फैमिली के मैके वालों को देना है, कितना टाइम जो है वो अपने काम को देना है, सेटल है सर। उनको पता है कितना टाइम किस तरह से स्पेंड करना है, दोस्तों कितना टाइम देना है, तो सुकून है जिंदगी। फिर उसके बाद वो लोग जो साथ होते हैं वो इन्हीं की टीम के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की टीम के लीडर्स होते हैं, उन्हीं की टीम के रेफरेंस लोग होते हैं, और सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं और ये भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। लाइक आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, किसी ने भी अखबार में इश्तहार देखा तो यहाँ पे ऐसे बाहर जा रहे थे, देखा लोग अंदर आ रहे, लोग पीछे पीछे आ रहे, यकीनन किसी न किसी ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया। तो इट्स मीन जब आपका उनसे रिलेशनशिप है तो उनसे रिलेशनशिप है, जिस तरह आप उनके लिए अदब के लिए अदब करते हैं, इस तरह हम भी आपका अदब करते हैं। बिल्कुल यही चीज़ मॉलिक्यूल की है, जिसमें हम रैंडम क्लाइंट्स पे नहीं जाते बल्कि हम रेफरेंस बेस के ऊपर जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद अनलिमिटेड इनकम है, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर है, आपकी कोई टेरिटरी नहीं है कि आप यहाँ से आगे कस्टमर नहीं बना सकते। आपके जब 10-15 कस्टमर बन जाएंगे वो भी आगे 10-15 कस्टमर बना देंगे और आपकी इनकम बड़ी तेजी के साथ बढ़ती है। साल में आमतौर पर 2 बोनसेस हैं जॉब में, और इस बैंक में पाकिस्तान के अंदर 12 बोनसेस हैं और दुनिया भर में डिफरेंट और कंट्रीज हैं, स्पेशली स्वीडन रशिया, जहाँ पे 17 बोनसेस मिलते हैं। यहाँ पे ऑरिजिनल पाकिस्तान कैलेंडर मंथ के हिसाब से पे कर रही होती है, जबकि वहाँ पे 21 दिन के अंदर पे कर रही होती है। जिस तरह यहाँ पे हम 12 कमीशन या सैलरीज ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो 17 साल में 17 कमीशन और सैलरीज ले रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे 40 ईयर्स कम अज कम हो चुके हैं और वो इतने अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। यानी हम जब आगे ग्रो करेंगे तो हमारे कमीशन, हमारे इनकम और हमारी बोनसेस भी साल में इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। यानी ये बिजनेस अपनी जनरेशन को एक अच्छा तोहफा देंगे। और ट्रैवल की हम बात करते हैं, ट्रैवल जो है स्वीडन जा चुके हैं, डेनमार्क जा चुके हैं, तुर्की जा चुके हैं, ग्रीस जा चुके हैं, रोम जा चुके हैं, फ्री में कैसे और ही लेंगे, थाईलैंड भी और मलेशिया जाने वाले हैं, फिर उसके बाद स्वीडन दोबारा से जाना है, फिर लॉस एंजलिस जाना है यूएसए, सब जगह कैसे जा रहे हैं फ्री। गारंटी कौन दे रहा होता है आपकी? ऑरिक इन्विटेशन कौन दे रहा होता है? ऑरिक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितनी दफा अप्लाई कर चुके हैं, शेंगेन वीजा नहीं लग रहा होता। बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए का वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं नहीं लग रहा होता, यूके का अप्लाई कर रहे होते हैं नहीं लग रहा होता। लेकिन जब आपके पास सोर्स आती है यूरोप की नंबर वन कंपनी की तरफ से, कहता है ये हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इनको हम कॉन्फ्रेंस में ले जा रहे हैं, अपनी जो फलानी जगह मुनक्किल हो रही है, इतने बड़े 5-स्टार होटल के अंदर हमारे
3000 लोग ठहरेंगे और हम इस ऑडिटोरियम के अंदर स्टेडियम के अंदर अपनी सेरेमनी करेंगे, कैसे नहीं देगा? मेसी वाला बंदे लगा था ठप्पा, जाओ मेरा फ्रेश पासपोर्ट था, पहला वीजा लगा था, कहाँ का? शेंगेन। जबकि कहते हैं जब तक आपके अच्छे खासे वीजे ना लगे ना आपका नहीं, जब आपकी सपोर्ट आती है अच्छी तरीके को आपको लगता है। यही फायदा है कि ऑलिग्लैंड में हम अपनी लाइफ को वैसे जी रहे होते हैं जैसे हम पापू में। अब आते हैं कि इनकम के रास्ते कहते हैं।